अरे मैम साहब, का बताएं तुम्हें, हमारे मरदवा ने हमको रात को बहुत मारा है। और हमारी वो सास, उस कहूनी को ना हम जहर दे के मार देंगे। हमारे ना किस्मत ही खराब है मैम साहब, हमारी जिंदगी खराब हो गई है। तुम देखो कितने आराम से रहना चाहती हो। अरे हम तुमको बता रहे हैं मैम साहब, देखो साहब का पीछा किया करो, कहीं तुम्हारी जगह पे कोई दूसरी मैम साहब ना लेके आ जाए। हाँ, मेरा मरदबा को भी मैंने ना कहीं जाते देखा था, साहब के पीछे। हाँ अरे अरे मैम साहब, आपकी कितनी सुंदर हो, आप तो बहुत ही सुंदर हो मैम साहब, आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। अरे अरे मैम साहब, अरे देखो मैम साहब, आप मुझे इस नवरात्रि ना साड़ी देने वाली थी ना मैम साहब, नई मुझे। हाँ अरे मैम साहब, अरे मैंने अंदर की झाड़ू लगा दी है और साहब के कपड़े भी रख दिए हैं। मैम साहब तुम अब मुझे नई साड़ी दे दो मैम साहब। अरे कहाँ बताऊँ, अरे हमारा आदमी तो 5 रुपया लाया था कल, और 5 रुपया जो है वो भी हमारी सास ने ले लिए। हमारी तो किस्मत ही खराब है मैडम, जब से आए हैं ना ब्याह के, अपने बाबूजी के यहाँ बड़े अच्छे रहते थे हम। अरे हमारे बाबूजी हमको 2-2 किलो दूध पिलाए हैं, और यहाँ के तो हमको मार झाड़ू 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। यहाँ आते हैं तो आप खिला देते हैं, तो वही हमारा गुजारा हो जाता है, और सबको दे आपकी जैसी मैम साहब, भगवान सबको दे। मैम साहब एक बात कहें आपसे। हाँ मैम साहब, वो जो आप हार लाई थी ना सोने का, वो हमें दे दें। मैम साहब आप हमें नहीं देंगी, मैम साहब आप नहीं देंगी हमको। अब तो तुझको देना पड़ेगा वो हार, तेरे पति से मैंने शादी कर ली है, मेरी तरह तू इस घर के झाड़ू पोछे लगा लगा के बुढ़िया हो जाएगी। मैं कहाँ नौकरानी थी और तू कहाँ महारानी थी, आज देख तू कहाँ और मैं कहाँ। मैंने तेरे पति को, तुझसे छीन लिया। पता है तेरी जवानी खत्म हो गई और मेरी अब इस घर की चाबी, तिजोरियों की चाबी, कारों की चाबी, ऑफिस की चाबी, अलमारी की चाबी, और तेरे पति की भी चाबी मेरे हाथों में है। अब बोल क्या करेगी तू? अब तू रोती रहे, और ये साड़ी ना अभी मैं तुझे देने वाली हूँ, तेरे को झटका लगाना ये सारा सुन के। झटका तो लगेगा तुझे, यकीन नहीं हो रहा होगा ना कि तेरे पति को मैंने कैसे फंसाया। अरे जब तू अपने बच्चों के साथ मायके होती थी ना, तब मैं तेरे पति की बाहों में होती थी, और वो बहुत ही
ही अच्छा इंसान है जिसको तू नहीं संभाल पाई। ऐश कर रही थी ना उसके पैसों से, हाँ वो महंगी महंगी साड़ियाँ, वो गिफ्ट, उसी पूरी प्रॉपर्टी तूने अपने माँ बाप को दे दी थी। बेचारा आया था रोते हुए, अरे तो मैंने उसको समझाया इस औरत से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, साहब आप मुझसे शादी कर लो और उसको छोड़ दो। बेकार है वो, अरे मकार है वो, भड़काया मैंने तेरे बारे में उसको। भड़काया मैंने तेरे बारे में उसको, तभी तो आज वो मेरी मुट्ठी में है। अब तू चल, झाड़ू उठा और नाच मत मेरे सर पे, काम कर और पुरानी रोटी पड़ी उसको खा लेना।